अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। क्या दोस्तों, आप आज इस वीडियो में जानना चाहते हैं कि अगर आपको गूगल पे एप्लीकेशन की मदद से अगर दोस्तों आपको ट्रेन की टिकट को बुक करना हो तो आप कैसे कर पाओगे बड़ी आसानी से। अगर दोस्तों आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमारे इस वीडियो को देख कर सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको गूगल पे एप्लीकेशन को एक बार ऑन कर लेना है। सिंपली दोस्तों जैसे जब हम इसे ऑन करते हैं तो हमारे मोबाइल पे अगर हमने लॉक लगा रखा होगा तो वो लॉक हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा। सिंपली दोस्तों आप उसे अनलॉक कर ले और उसके बाद में आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको नीचे की तरफ एक बार स्लाइड कर देना होगा और दोस्तों जैसे ही जब आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्कवर बिजनेस का। और सिंपली दोस्तों यहाँ पे नीचे में आपको ट्रेंस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंस का एक ऑप्शन आ रहा होगा। दोस्तों जैसे ही जब हम यहाँ से इसे एक बार सिलेक्ट करेंगे तो हमारे मोबाइल स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। सिंपली दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप कहाँ से कहाँ के लिए जर्नी तय करना चाहते हैं, कि आप किस रेलवे स्टेशन से दूसरे कौन सा रेलवे स्टेशन तक जाना चाहते हैं। सिंपली दोस्तों आपको जिस रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन तक जाना है तो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेयर फ्रॉम और वेयर टू का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली दोस्तों मुझे जिस रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़नी हो, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं अगर न्यू दिल्ली से रेलवे स्टेशन से अगर गाड़ी पकड़ना चाहता हूँ तो सिंपली दोस्तों मैं इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके NDLS टाइप कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर टू का एक ऑप्शन आ रहा है इस वाले ऑप्शन में। तो सिंपली दोस्तों मुझे यहाँ से मुंबई के लिए गाड़ी चाहिए तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर MUM मुंबई ऑल स्टेशन करके आ रहा है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी रेलवे स्टेशन से पकड़ना चाहते हैं सिंपली दोस्तों आप उसे सिलेक्ट कर लें। और दोस्तों आप कब की गाड़ी लेना चाहते हैं, कब का ट्रेन लेना चाहते हैं, सिंपली दोस्तों आपको उसे भी सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों आपकी जो डेट है वो जर्नी की आपको सिंपली सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही यहाँ पर एक बार क्लिक करोगे तो आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों मैं 1 मार्च को जाना चाहता हूं या फिर 1 अप्रैल को जाना चाहता हूं, तो सिंपली दोस्तों यहां पे सिलेक्ट करके नीचे में दिए गए डन वाले ऑप्शन पे सिंपली दोस्तों हम एक बार क्लिक कर देंगे। और दोस्तों जैसे ही जब हम यहां पे क्लिक करेंगे तो उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है कोटा का। सिंपली दोस्तों आप जैसे जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल, लेडीज़, सीनियर लोअर बर्थ और तत्काल। तो सिंपली दोस्तों हमें जनरल में ही रखना है। और दोस्तों जैसे ही जब हम जनरल में सिलेक्ट करते हैं तो फिर से हमारे मोबाइल में ये लोडिंग लेने लगेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने में जो भी ट्रेन की लिस्ट वगैरह रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली दोस्तों उसके बाद में आप अपने हिसाब से कोई भी एक ट्रेन को सिलेक्ट कर लें या फिर दोस्तों आपको ट्रेन कौन सा सही है नहीं आपको नहीं पता है तो आप एक टाइमिंग सिलेक्ट कर ले कि मुंबई से जो ट्रेन चलती है या फिर दिल्ली से जहां से भी आपने स्टार्ट करा हो उसका टाइमिंग कितना है और दोस्तों छोड़ने का टाइमिंग कितना है, दोनों का टाइमिंग आपको मिला लेना है। और उसके बाद में जो भी बेहतर हो और जिसका भी प्राइस वगैरह सही हो सिंपली दोस्तों आपको उस वाले ट्रेन में सिलेक्ट कर देना है। स्लीपर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा और उसके बाद में होगा ये दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने ट्रेन सेलेक्ट करा है वो आ गया है। और यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है IRCTC यूज़र आईडी। तो सिंपली दोस्तों आपको IRCTC का यूज़र आईडी यहाँ पे डाल देना है। और दोस्तों आपके पास में IRCTC का यूज़र आईडी नहीं है तो आप मेरे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक को क्लिक करके आप जान सकते हैं कि IRCTC का अकाउंट कैसे बनाते हैं। सिंपली दोस्तों आपको IRCTC का यूज़र आईडी यहां पर डालने के बाद में नीचे में दिए गए कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि पैसेंजर के डिटेल्स के लिए बोला जा रहा है, पैसेंजर का नाम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यही सब पूछा जा रहा है। तो सिंपली दोस्तों जल्दी से हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। आपका जो भी नाम वगैरह हो सिंपली दोस्तों आपको अपना नाम जो है वो डाल देना है। सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे अब्दुल कादिर यहाँ पे डाल देता हूँ और दोस्तों यहाँ पे जो एज है वो मैं 25 डाल देता हूँ और जो जेंडर है वो मेल कर देता हूँ, अगर आप एक लड़की हो तो आप फीमेल कर दो। सिंपली उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो बर्थ प्रिफ्रेंस का जो ऑप्शन आ रहा है, सिंपली दोस्तों हमें यहाँ पर नो बर्थ प्रिफ्रेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर उसके बाद में नेशनैलिटी
का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे इंडिया ही सिलेक्ट रहने देना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है इंडिया में ही काम करेगा। अगर दोस्तों आपको और भी बंदों को या फिर फैमिली मेम्बर को ऐड करना है, उसके भी टिकट को ओके करवाना है, तो सिंपली आपको ओके पैसेंजर वाले या फिर ऐड पैसेंजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अगर आपके साथ में बच्चे भी हैं तो आपको सिंपली ऐड चाइल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अगर नहीं है तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना एड्रेस टाइप कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपना नाम दे चुके हैं, एज, जेंडर, और उसके साथ ही साथ दोस्तों जैसे ही जब हम यहाँ पे नीचे करेंगे तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे हम दे चुके हैं। और दोस्तों उसके बाद में हमें सिंपली नीचे में दिए गए कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंश्योरेंस का, तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पे आपसे 35 पैसे के लिए बोल रही है, अगर कोई भी दुर्घटना हुई तो गवर्नमेंट वो अपने हिसाब से फिर आपके घर वालों को कुछ पैसे देंगी। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे 35 पैसे और कटवा देने हैं, और उसके बाद में नीचे में दिए गए कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये जो हमारा IRCTC ID के बारे में बोल रहा है, सिंपली दोस्तों यहाँ पे हमें सिंपली टिक लगा करके और उसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना होगा। और दोस्तों जैसे ही जब हम इतना करेंगे तो फिर हमारे मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे पेमेंट के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 523 रुपये और 05 पैसे के यहाँ पर एक पॉपअप आ चुका है पेमेंट करने के लिए। सिंपली दोस्तों हमें नीचे में दिए गए प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना होगा। और दोस्तों जैसे जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये हमारा UPI जो पिन रहता है वो डालने के लिए बोलेगा। सिंपली दोस्तों जैसे जब हम अपना UPI पिन जो डाल लेंगे तो हमारा जो पैसा है वो कट जाएगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि UPI पिन डालने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों मुझे अपना टिकट बुक नहीं करना है, जैसे जब आप अपना UPI पिन जो है वो डालोगे तो आपका टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएगा, आपका टिकट जो है बुक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपने ट्रेन का टिकट कट करना है, कंफर्म करना है, तो आप कैसे गूगल पे की मदद से कैसे कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।